हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के व्हाइल प्रोग्राम्स के बारे में। व्हाइल प्रोग्राम्स की सीरीज में हम लेवल 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस लेवल 2 क्वेश्चंस में आज हम करने वाले हैं फाइंड रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन के लेवल 2 क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 तक इन सारे क्वेश्चंस को हमने 1 by 1 कर लिया है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। मतलब आपको कोई एक नंबर दिया जाएगा और आपको उस नंबर का क्या फाइंड करना है, रिवर्स फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए मैं आपको इनपुट में देता हूं 237, तो आपको जो आउटपुट देना है आपका आउटपुट होगा 732, विच इज द रिवर्स ऑफ व्हाट, 237। तो ये है हमारा प्रोग्राम। चलिए देखते हैं कैसे इसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो हमने मैसेज दिया इंटर नंबर, इस मैसेज को हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, जो भी वैल्यू यूजर ने दिया और उसे कहां स्टोर कर लिया, आई में स्टोर कर लिया। सपोज कीजिए आई में यूजर जो है वो 287 देता है, कोई भी वैल्यू यूजर दे सकता है, इस वैल्यू पे हमें वर्क करना है। हम अब लॉजिक लिखने जा रहे हैं, रिवर्स में क्या सेट करते हैं, हम जीरो को सेट करते हैं। तो देखिए रिवर्स में हमने क्या कर दिया, जीरो को सेट कर दिया। अब हम इस लॉजिक यूनिट को यूज करने जा रहे हैं, इस वाइल को यूज करने जा रहे हैं इस नंबर का, यानी आई में जो स्टोर है उसका रिवर्स निकालने के लिए। ये सारे के सारे नंबर्स पे एज इट इज वर्क करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये लॉजिक हमारा कैसे किसी भी नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करता है। तो सबसे पहले वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आई की वैल्यू जीरो से बड़ी है क्या, तो आई की वैल्यू जीरो से बड़ी है। देखिए आई में क्या स्टोर है, 287 जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, ये दोनों स्टेटमेंट इस ट्रू कंडीशन से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट है, देखिए ये स्टेटमेंट है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10, ओके, प्लस आई मॉडुलस 10। तो देखिए रिवर्स में आपने सबसे पहले क्या सेट किया है, जीरो पे सेट किया है। तो यहां क्या हो जाएगा, जीरो जीरो इंटू वॉट, 10, ओके, प्लस आई मॉडुलस 10। तो बताइए आई में क्या वैल्यू है, 287 को 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर आपको जो मिलेगा वो लास्ट डिजिट मिलता है। देखिए कभी भी 10 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमें उसका लास्ट डिजिट मिलता है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 0 इंटू 10 करेंगे तो 0 हो गया, 0 प्लस 7 करेंगे तो फाइनली रिवर्स में जो वैल्यू आके स्टोर हुई वो क्या स्टोर हुई, 7 आके क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब हम अगले वाली लाइन में पढ़ते हैं, आई इक्वल टू आई डबल डिवाइड बाई 10। तो मैंने बताया है आपको कि इस डबल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि आई को 10 से तो डिवाइड करो, जैसे 10 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 28.7। और डबल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि आपको ये जो डेसिमल पार्ट है उसे इग्नोर कर देना है, खत्म कर देना है। तो आई की वैल्यू जो है, अपडेटेड वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अब ये लूप है तो ऑब्वियस बात है ये लूप जो है यहां से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा फिर से, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू होता है तब तक ये एग्जीक्यूट करते रहता है। फिर यहाँ पे ये चेक करेगा कंडीशन को कि क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो आई की वैल्यू देखिए कितनी है, जीरो है से बड़ी है, तो जीरो से बड़ी है, ऑब्वियस बात है आई की वैल्यू 28 है। तो जैसे ही फिर से ये ट्रू मिला, ये फिर से लूप की बॉडी में एंट्री किया, फिर से वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आई परसेंट 10। तो देखिए रिवर्स में कितना आ चुका है, तो रिवर्स में पिछली बार जब लूप एग्जीक्यूट किया था तो 7 आ चुका था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिवर्स की वैल्यू 7 ले लेगा और इंटू 10 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ प्लस करेंगे और i मॉडुलस 10, तो 28 में 10 से जब हम मॉडुलस करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और प्लस 8 ये क्या हो जाएगा, 78। यानी कि रिवर्स में जो स्टोर हुआ इस बार क्या स्टोर हुआ है, 78 स्टोर हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमने कर लिया। अब फिर से अगली स्टेटमेंट पे ये आएगा आई इक्वल टू आई डबल डिवाइड बाई 10, तो जब आई को डिवाइड करेगा 10 से तो ये हो जाएगा 2.8, डेसिमल को इग्नोर करेगा, आई में क्या हो जाएगी स्टोर, आई में इस बार वैल्यू आ जाएगी 2। फिर से ये लूप है तो ये फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो देखिए आई में कितना है, 2 है, यस 2 जो है वो 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। तो क्या करता है, फिर से वही स्टेटमेंट रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस आई परसेंट 10। तो देखिए इस बार रिवर्स में कितना है, ध्यान से देखिए 78 है, तो 78 इंटू व्हाट, 10 प्लस यहाँ पे क्या कहता है, आई मॉडुलस 10 है ना, यहाँ पे आई मॉडुलस 10, तो यहाँ पे भी आई मॉडुलस 10 ही है, सेम स्टेटमेंट मैंने लिखा था। तो 2 में 10 से डिवाइड जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, 2 में तो 10 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो वही नंबर क्या हो जाता है, रिमाइंडर के रूप में ले लिया जाता है, क्योंकि जब डिवाइड हुआ ही नहीं तो वही नंबर रिमाइंडर बन गया। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट हो गया, 7 78 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो गया 780,
और ये हो गया प्लस 2, तो फाइनली ये वैल्यू क्या निकल के आती है, 782, ठीक है। और ये 782 कहां स्टोर हो जाएगा, रिवर्स में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो आपको फाइनली फिर से अगली लाइन पे जब हम बढ़ेंगे तो ये फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई 10। तो ये देखिए डिवाइड जब होगा 10 से तो ये हो जाएगा 0.2, तो पॉइंट के बाद की चीजों को जब डिस्कार्ड कर देंगे तो आई में कितना स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो जाएगा। अब ये फिर से जब ऊपर जाएगा तो चेक करेगा क्या 0 बड़ा है 0 से, नहीं, ये क्या हो गया कंडीशन हमारा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हो गया, ये वाइल का जो कंडीशन था यानी कि ये वाइल का जो स्कोप था ये यहां से यहां तक का खत्म हो गया। जब आगे बढ़ेगा इसे एक प्रिंट स्टेटमेंट मिला, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या दिखाया इसने, मैसेज दिखाया, तो मैसेज क्या दिखाया, रिवर्स इक्वल टू, ठीक है, और फिर रिवर्स की वैल्यू। तो आरईवी में क्या वैल्यू आई है, देखिए आरईवी में जो हमारी फाइनल इवैल्यूएटेड वैल्यू आई है वो आई है 782। तो ये आपका हो जाएगा क्या आउटपुट। तो देखिए हमने आई में कितने से स्टार्ट किया था, यही है ना 287, तो आई में हमने कितना स्टार्ट किया था 287, जब इसका रिवर्स निकालेंगे तो 782। तो देखिए तो 782 हमारा क्या है आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया 287 और इस पर मैंने सारा काम करके देख लिया, आप खुद से आई की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 389 या कोई भी वैल्यू ले लीजिए और इसको ड्राई रन करके, मतलब ड्राई रन मतलब जैसे मैंने यहाँ पे किया स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए वन बाई वन, वैसे ही आप भी क्या करें इसको करके देखें। क्योंकि जब तक आप खुद से ड्राई रन नहीं करेंगे, ड्राई रन मतलब जैसे मैंने अभी रन करके आपको दिखाया, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रन करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार आप प्रोग्राम्स को लिखेंगे, कंसेप्ट आपका उतना ही क्लियर होगा। याद रखिए आपकी प्रायोरिटी सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है बल्कि अपने लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को भी बिल्डअप करना है। तो ये तो थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन था, आइए हम देखते हैं कि हम इसे प्रैक्टिकली करके कैसे देखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन का आईडीएलई ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए हम पाइथन का आईडीएलई ओपन करते हैं। हमारा ये पाइथन का आईडीएलई ओपन हो गया, हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ आई इक्वल टू प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं, इंट इन ब्रैकेट इनपुट एंटर नंबर टू फाइंड रिवर्स। ये मैसेज है, आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। हम यहाँ आरईवी नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसको कितने पे सेट करते हैं, 0 पे सेट करते हैं और लूप लगाते हैं जब तक कि आई की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। तब तक हम क्या करेंगे, रिवर्स इक्वल्स रिवर्स इंटू 10, ये ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पहले काम होना है इसका, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस आई मॉडुलस व्हाट 10, और फिर i को डिक्रीज करेंगे तो i इक्वल टू i डिवाइड बाई व्हाट 10। हमारा लूप चलेगा, हमारा फाइनली रिवर्स वैल्यू निकल चुका होगा। हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट वैल्यू या यहाँ मैसेज देते हैं रिवर्स नंबर इज क्या होगा कॉमा, किसकी वैल्यू दे देंगे हम, REV की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे, मान लीजिए हम अपने प्रोग्राम को नाम देते हैं क्या, REV.py, ठीक है, और इसे क्या कर लेंगे, हम सेव कर लेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पता है हम रन मेन्यू पे जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। जैसे आपसे पूछा है यहाँ पे इंटर नंबर टू फाइंड रिवर्स, आपने सपोज कीजिए कोई भी एक नंबर दे दिया 234 और एंटर किया, देखिए आपके सामने आउटपुट क्या आ गया, 432 आ गया है। अगर आप चाहें तो एक बार और रन कर सकते हैं, रन मेन्यू पे जाएं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, आप कोई भी नंबर दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं इस बार देता हूँ 345 या 354 कुछ भी, तो देखिए इसका जो आपका आउटपुट यानी रिवर्स नंबर है वो 453 इसने दे दिया। इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रहा है किसी भी दिए गए नंबर के लिए। तो ये था आप कैसे किसी भी नंबर का रिवर्स वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम्स को हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।